तो दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए अंडर 19 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का दोस्तों मैं पूरा हाइलाइट्स और एनालिसिस लेके दोस्तों मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं एक एक पल का दोस्तों डिटेल देने वाला हूं और साथ में दोस्तों अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो दोस्तों आप पूरा हाइलाइट्स देख लेंगे दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आप डायरेक्ट पूरा हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही डिटेल वीडियो है, हमेशा की तरह एंड तक देखिएगा। और दोस्तों साथ में लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि आप कैसे हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में के दोस्तों टॉस की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टॉस पाकिस्तान के कप्तान ने जीता था और दोस्तों उन्होंने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और दोस्तों अगर हम फाइनली अगर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की, तो दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर बहुत ही बुरी तरीके से ढह गई। अब दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की बल्लेबाजी में, तो दोस्तों पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए थे हैदर अली और दोस्तों रोहित जजीर ने। इन दोनों बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और दोस्तों इन्हीं बल्लेबाजों के बदौलत पाकिस्तान की टीम ने आखिरी में 172 रन बनाए थे। यानी दोस्तों टीम इंडिया को अगर ये मुकाबला जीतना था तो इन्हें चाहिए थे 173 रन। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम के बॉलिंग की, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की बॉलिंग काफी ज्यादा शानदार रही थी और हमें काफी अच्छे अच्छे युवा टैलेंट्स देखने को मिले थे। दोस्तों आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोस्तों कैसे कैसे गेंदबाज अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे उन गेंदबाजों के नामों की, तो दोस्तों उन गेंदबाजों का नाम है कार्तिक त्यागी जिन्होंने 2 विकेट लिए, सुशांत मिश्रा ने 3 विकेट और रवि बिश्नोई ने दोस्तों 2 विकेट लिए। और दोस्तों काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी हमें देखने को मिली। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अगर गेंदबाजों की, तो दोस्तों भारतीय गेंदबाज इतने ज्यादा सशक्त हो गए हैं कि दोस्तों हर बॉल पे ये यॉर्कर जड़ रहे थे। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कार्तिक त्यागी की, तो दोस्तों फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाजी की। तो दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक ठोक दिया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 9 आउट 105 रन निकले और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपने पारी के दौरान 8 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के लगाए थे। और दोस्तों इन्होंने विनिंग हिट भी लगाया था, छक्का मार के भारत को ये मुकाबला जिताया। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अब इनके दूसरे पार्टनर की, तो दोस्तों इनके दूसरे पार्टनर का नाम था दिव्यांश सक्सेना ने, उन्होंने भी शानदार 59 रन बनाए थे। और दोस्तों इन्हीं दोनों के पारी के बदौलत टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 10 विकेट से जीत लिया। यानी दोस्तों अब टीम इंडिया डायरेक्ट पहुंच चुकी है फाइनल्स में और दोस्तों इनका मुकाबला होने वाला है फाइनल्स में। तो दोस्तों अब हम फाइनली अगर बात कर लेते हैं कि आप हाइलाइट्स कैसे देख पाएंगे, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे तो उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अंडर 19 हाइलाइट्स दोस्तों लिखा होगा। दोस्तों आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप सीधा वहां पहुंच जाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हाइलाइट्स में। तो दोस्तों आप जाके उसे भी एंजॉय करिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।